फिल्म कांतारा ने रिलीज होते ही सिनेमाघरों में धूम मचा दी थी। फिल्म को टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक में काफी तारीफें मिली। फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे, साथ ही फैंस के दिलों में भी एक अलग छाप छोड़ी थी। वहीं फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग से लेकर डायरेक्शन को लोगों ने काफी पसंद किया था। फिल्म को हिंदी सहित कई भाषाओं में रिलीज किया गया था। फिल्म की कहानी के अंत को अगली कड़ी से जोड़ने के लिए एक नोट पर छोड़ा गया था, जहां दर्शकों में ये जिज्ञासा बनी रही कि आखिर अगली कड़ी में होने वाला क्या है। वहीं अब एक बार फिर दर्शकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। कांतारा का प्रीक्वल यानी कि पहले की कहानी इस बार देखने को मिलेगी। मेकर्स ने इसे कांतारा चैप्टर 1 का नाम दिया है। जैसे ही फिल्म का फर्स्ट टीजर लॉन्च हुआ, फैंस की आंखें खुली की खुली रह गई। फिल्म के फर्स्ट लुक को देखने के बाद ही पता लग रहा है कि कांतारा की तरह इसके प्रीक्वल को उतना ही प्यार मिलने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा, कांतारा दक्षिण कर्नाटक के एक लोक कथा पर बनाई गई थी। फिल्म में कहानी के एक छोटे से भाग को दिखाया गया था, वहीं इस बार उस कहानी की पूरी फिल्म डिटेलिंग के साथ दिखाई देगी। फिल्म के फर्स्ट लुक टीजर को देखे तो कांतारा चैप्टर 1 की शुरुआत उसी जंगल के उसी जगह से शुरू होगी जहाँ कांतारा का आखिरी सीन को छोड़ा गया था। जब ऋषभ शेट्टी जंगल में जाते हैं और जंगल के बीचों बीच एक आग के घेरे में खड़े होते हैं और वहां से वो गायब हो जाते हैं। कांतारा चैप्टर 1 के फर्स्ट टीजर में ऋषभ शेट्टी, जिनकी फिल्म में किरदार का नाम शिवा था, उसी जगह पर आग के गोले में नजर आ रहे हैं। वो आसमान की तरफ देख रहे हैं। वहीं गुलिगा देवा की आवाज भी सुनाई देती है, जिसे वो कह रहे हैं कि ये रोशनी नहीं बल्कि दर्शन है। जो कहा गया या जो होने वाला है वो सब कुछ इसी रोशनी में दिखाई देने वाला है। फिल्म में ऋषभ शेट्टी का एक अलग लुक दिखाया जाता है, जिसमें वो एक गुफा के अंदर है। उनका लुक किसी योद्धा की तरह दिखता है। वो अपने सिर को नीचे झुकाए हुए खड़े होते हैं। ऋषभ के एक हाथ में कुल्हाड़ी है तो एक हाथ में त्रिशूल। उनके कंधे तक बाल हैं और साथ ही छाती तक दाढ़ी और उनके शरीर को बहुत मजबूत दिखाया गया है। नजर आता है। उनके शरीर पर हर जगह खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं, मानो अभी किसी का वध करके आए हों। जब वो अपनी नजर को उठाते हैं तो उनकी आंखें काफी अलग दिखती हैं, जिनमें वो आग के घेरे में दिखाई देते हैं, जो कांतारा के आखिरी सीन में दिखाया गया था। ऋषभ के लुक को देखने के बाद दर्शक काफी उत्सुक है कि आखिर ऋषभ शेट्टी का किरदार क्या होने वाला है। फिल्म की बात करें तो कांतारा की पटकथा कर्नाटक के जिस इलाके से आता है उसे परशुराम की सृष्टि भी कहा जाता है। साथ ही परशुराम शिव भक्त भी थे। वहीं ऋषभ का लुक काफी हद तक परशुराम से मिलता है, क्योंकि परशुराम की तरह ऋषभ के लुक को भी काफी गुस्से में दिखाया जा रहा है। साथ ही उनके लुक में भगवान विष्णु के वराह अवतार की भी झलक दिख रही है। उनके कानों में जो कुंडल दिखाई दे रहा है वो जंगली सूअर के दांत की तरह दिखता है।